क्यों पटेल फार्मा यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसान सर क्यों, आज मैं ये वीडियो RVSM 11 पीसी सोयाबीन वेरायटी का बना रहा हूँ, जो कि मैं अभी फिलहाल खेत के बीच खड़ा हूँ। यानी कि मैं अधिकतर जो वीडियो बनाता हूँ तो किसान मेरे मित्र है जो बोलते हैं कि आप अफजल भाई खेत के आसपास के वीडियो बनाते हो, उन्हीं पौधों को दिखाते हो जिनके अंदर फलियां ज्यादा लगती है, और आप खेत के बीच जाकर फलियां की स्थिति, फली कितनी लगी है, पौधों की ग्रोथ कैसी, पौधे किसे दिखाई देते हैं, ये सारी बात खेत के बीचों बीच जाकर बताइए। तो मैंने आज ये देखिए, मैं जो खड़ा हूँ ये RVSM 1135 वेराइटी है, और मैं खेत के बीच खड़ा हूँ, ये वहां तक पेड़ लगा है, वहां तक आस पास जहाँ तक भी आप देखोगे हरी सोयाबीन दिखाई दे रही है। ये RVSM 1135 सोयाबीन है जो कि लगभग 3 महीने की हो चुकी है, और 3 महीने में इसकी स्थिति आप खेत के बीच की देख सकते हो, कुछ इस प्रकार है। आप देखिए ये जो पौधे देख रहे हैं, खेत के बीच में पौधों की स्थिति कुछ इस प्रकार है, फल इस प्रकार लगा है, और भी मैं आगे पौधे आपको फलियों को थोड़ा थोड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए किसान साथियों, खेत के बीच की स्थिति है, बिल्कुल खेत के बीच के अंदर बीच फली इस प्रकार लगी है, 1135 सोयाबीन वेराइटी है, और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोग इस बार हमें ज्यादा दिखाई नहीं दे दिया है, ना ही इसके अंदर आ रहे भी, ना ही वो पीला मोजेक वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। मैंने इसके अंदर इसकी फली भी बहुत अच्छी है, और इस बार इस वेराइटी के अंदर हमें क्लोसिंग की धंसने की बिल्कुल समस्या दिखाई नहीं दी। उसका कारण भी मैं बताऊँ, उसका कारण यही है, पिछले वर्ष भी मेरी कुछ जगहों पर फसल 1135 धस गई थी, मैंने इस बार इसका बीज केवल 14 और 15 किलो से ऊपर बिल्कुल नहीं रखा है, और उसका परिणाम मुझे ये मिला है कि आप पूरे खेत में कहीं भी देखोगे तो इसके अंदर हमें फसल के क्लोथिंग की तो बिल्कुल समस्या मिली ही नहीं है, धसा ही नहीं है, और बहुत ही अच्छा फल लगा है, और इसके अंदर बहुत ही शानदार ग्रोथ भी हुई है, और इसका उत्पादन मुझे 6 से प्लस होने की संभावना है। तो किसान साथियों, आपके कहने पर मैं खेत के बीच बीज आया हूँ, और खेत के बीच का वीडियो बनाया है, क्योंकि खेत के बीच से ही पता चलता है कि सोयाबीन वैरायटी कितना उत्पादन दे सकती है। तो किसान साथियों, ये वैरायटी पिछले 4-5 वर्षों से लगातार सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्म बनी हुई है, और इस बार भी मुझे उम्मीद यही है कि इस 1135 से ज्यादा कोई उत्पादन देने वाली वेरायटी नहीं है। मेरे कुछ किसान साथी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ 1135 पूरी तरह धस चुकी है, तो लेकिन इसका कारण यही, किसान साथियों हम क्या करते हैं कि इसकी बीज दर बढ़ा देते हैं, बीज दर बढ़ाने का परिणाम यही मिलता है कि हमें जो उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि फसलें पूरी तरह सो जाती है और सोई फसल हमें उत्पादन नहीं दे पाएगी। तो किसान साथियों, आप 1135 RVSM 1135 का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो तो अपने बीज दर को 14-15 किलो से ज्यादा जाने नहीं देना है प्रति बीघा। और बीघा की बात करूँ तो हमारे यहाँ उज्जैन जिले में 80 कड़ी यानी 22,500 स्क्वायर फीट का 1 बीघा है, और मैं वर्णा करके उज्जैन क्षेत्र से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो किसान साथियों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट जरूर कीजिए, और आपको ये वैरायटी कैसी लगी। किसान साथियों, आज अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और पास बने घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो किसान साथियों, 1135 का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ खेत की स्थिति बीच से पौधों की। ये देखिए, आप हमारे चैनल पर बने रहे इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी हाइट की बात करूँ तो देख लीजिए किसान साथियों, इसकी हाइट भी काफी अच्छी है, हार्वेस्टर से कटाई के लिए काफी बेस्ट वेराइटी है। इसके पौधों को आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार है, जमीन से काफी ऊपर इसकी फलियां लगी है, और मैंने इसको इस बार 14 इंची के गाले पे लगा, यानी कि कतार से कतार की दूरी को मैंने 14 इंच पे रखा है। आप इसको 14 से 18 इंच के बीच रख सकते हो, इससे 14 इंच से कम ना रखें, क्योंकि इससे अगर कम रखोगे तो हमारा उत्पादन प्राप्त नहीं मिल पाएगा। तो किसान साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो पर बने रहने का कष्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।